दिनों शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रहवासी दोहरे संकट की मार झेल रहे हैं। रविवार को कुशवाहनगर, प्रिंस नगर और ऋषि नगर के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। दरअसल इन क्षेत्रों में बीते करीब 4 सालों से नर्मदा का ड्रेनेज मिला पानी आ रहा है, जो पीना तो दूर दूसरे प्रयोग के लिए भी काम नहीं आता। बार बार निगम के जिम्मेदारों को शिकायत किए जाने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परेशान रहवासियों ने रविवार को गंदा पानी सड़क पर रखकर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। पानी नल में गंदा आ रहा है, नल में पानी गंदा आ रहा है, पानी मिल नहीं रहा, पानी की परेशानी। अब ये खराब पानी क्यों आ रही है, अब समस्या आप जानते। कितने साल से? बहुत समय हो गया इसको तो। बिल समय से भरा है आप लोग? बिल तो भरा है ना हमने। शिकायत करी गई आपको? तो शिकायत करते सुनवाई ही नहीं होती, शिकायत तो कर रहे हैं कई बार। क्षेत्रीय पार्षद से बात करिए? हाँ तो सब दूर करी ना। क्या कहना है? उनने बोला कि होएगा पानी साहब, बाटल में भर भर के ले गए बर्तन, कहीं वो खुद देख के गए। यहाँ वो जब टोपी वाले भैया थे, ये पार्षद साहब, ये सब आ के देख के गए, सबको मालूम है कि पानी आया बढ़िया गंदा ऐसा। लक्ष्मी अगर बताए क्या समस्या है यहाँ पे पानी की? आज के डेट में नर्मदा लाइन जो जा रहा है, सबके घर में गंदा पानी आ रहा है, और ये विगत 4 सालों से आ रहा है। ये सारी समस्या कई एक बार हम मोहल्ले वालों ने पार्षद के पास गए, उनसे बताएं, बाटल में लेकर के गए, उन्होंने बताया कि हमारी समस्याएं हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है निगम की तरफ से भी ना, ना पार्षद की तरफ से, जैसा कि तैसे ही हो रहा है। अभी गर्मी की विकट समस्या है, किसी घर में पानी नहीं है, सारे के सारे मोहल्ले के जो बोरिंग है वो सब सूख गया है। पास में बोरिंग हुआ था, वो भी पानी आ रहा था, तब तक काम चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल अभी के डेट में सामान्य रूप से सारे कॉलोनी के जितने भी बोरिंग है सब पानी सूख गया है। इस परिस्थिति विकट परिस्थितियों में नर्मदा का जो लाइन आ रहा है, और जैसे ही नर्मदा का पानी आता है आधा घंटा तो गंदा पानी आता है, पीने लोग लायक नहीं, पीने का और नहाने लायक भी नहीं है। इसके बाद में जैसे ही भरना साफ पानी होता है उसी पार करके वो पानी बंद हो जाता है। तो मेरा निवेदन है निगम प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इस समस्या को निदान किया जाए। यदि ये 10 दिन के अंदर में ये निगम के द्वारा ये समस्या का हल नहीं किया जाता है, तो हम सारे मोहल्ले वालों को लेकर के निगम के खिलाफ है एक धरना आंदोलन देंगे। आपका नाम? विनोद शर्मा, वार्ड अध्यक्ष। वन विभाग के बोदरी रेंज के वन ग्राम चिल्लारा के जंगल में एक हिरण की गोली मारकर शिकार किया गया। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि चिल्लारा गांव में बालक दास पिता उत्तम के घर में हिरण का मांस मुंडी रखी है। वन विभाग की टीम ने इसे जब्त कर लिया और बाकी हिरण के अंगों की तलाश जारी है। मुलजिम बालक दास को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहाँ हिरण के शिकार में 7 से 8 लोग होना बताया जा रहा है। क्या जानवर पकड़े गए? सर लगभग 9:30-10 बजे के बीच में मुझे स्टाफ द्वारा सूचना मिली कि चिल्लारा गांव के किसी व्यक्ति द्वारा हिरण का शिकार कर मांस लाया गया है, और हमारे स्टाफ द्वारा वहां जाकर के देखा तो बालक दास पिता उत्तम इसके मकान पे हमने दबिश दिया, और दबिश दिए तो वहाँ हम लोगों को उनका वहाँ मटन मिला। हमने उसे मंजिल से पूछा कि भाई ये मटन तुमने कैसे लाया, तो उसने बताया कि सर हमने ये मटन जंगल में था तो हम लोगों ने ले आया है, और उसका मटन ये हिरण का है। पूछताछ करने पे हमने ये पाया, और सर हमने उस मुलजिम को भी वही मौके पे गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके वन चौकी बदली लाया गया है, और उसे कोर्ट में देने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर इसमें कितने मुलजिम हो सकते हो? सर उनके द्वारा ये बताया गया कि 6-7 मुलजिमों का नाम बताया है उन्होंने, 6-7 मुलजिम और हैं, तो उनकी भी हम लोग गिरफ्तारी करने के लिए दल गठित कर रहे हैं, और दल गठित करके हम उनको गिरफ्तार करेंगे और उनको भी कोर्ट में। हिरण की उम्र क्या है सर, हो इसका शिकार कैसे किया, बंदूक की गोली से किया गया? सर ये जब हम लोग अभी तो मौके पूरी विवेचना नहीं हो पाई है, क्योंकि कारण क्या है कि हमने जैसे मटन उनको पाया उसके मुखबिर की सूचना आधार पर उसके घर पर गए, मटन जब्त किया है, और हिरण कितने वर्ष था
वो कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि वो सभी उसको छिन्न भिन्न कर चुके थे। उसका मटन कहाँ गया, वो पैर कहाँ गया, कहाँ, ये कुछ पता नहीं चल पाया। किन धाराओं के दर्ज किया? सर उसको वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा से हमने उसको किया है। आपकी टीम में कौन कौन शामिल? सर हमारे टीम में मैं वनपाल शिवनारायण तिवारी, वन रक्षक गिरिराज धापड़, वन रक्षक कुलदीप पारा सर, वन रक्षक मुकेश पाटिल, वन रक्षक और एक डिप्टी साहब थे राम रसिया जी, वन रक्षक तारा पाटी चिल्लारा के स्टाफ थे। आपका नाम और पद बताएं? सर मैं शिवनारायण तिवारी वनपाल, अभी मतलब कि मैं जसोदी में पदस्थ हूँ, अरिवन चौकी प्रभारी था, अभी जसोदी में पदस्थ हूँ।